किसान भाइयों, धान के फसल में तना छेदक को जड़ से खत्म करने के लिए आज हम तीन बेहतरीन कीटनाशक बताने वाले हैं। यदि आपके धान के फसल में तना छेदक का अटैक बढ़ चुका है, तना छेदक का अटैक हावी हो चुका है, जो तने हैं या पौधे से कट करके अलग हो रहे हैं, सभी तरफ इल्लियों का अटैक हो चुका हो, तो इस समय इन तीनों में से किसी भी एक दवाई को स्प्रे करके आप एक ही स्प्रे में तनाछेदक को जड़ से खत्म कर लेंगे। साथ ही साथ यह दोबारा आपके फसल पर बहुत ही लंबे समय तक नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, यह कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, इसकी केमिकल एंड कंपोजिशन क्या है, प्रति एकड़ इसकी डोज क्या है और इसे हमें कब किस तरीके से स्प्रे करना चाहिए, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब धान के फसल में तनाछेदक का अटैक बढ़ चुका हो, तनाछेदक का अटैक हावी हो चुका हो, जब जो तने हैं यह पौधे से कट करके अलग हो रहे हो, धान की ग्रोथ बिल्कुल भी रुक गई हो, साथ ही साथ आप एक दो स्प्रे कर चुके हैं, फिर भी आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, जो आपकी धान की फसल है इसमें जो तनाछेदक का अटैक है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे स्थिति में हमें बहुत ही सोच समझकर दवाइयों को स्प्रे करना पड़ता है। यदि इस समय हम सही दवाइयों को स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो हमारे धान के फसल में डायरेक्ट उत्पादन पर बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज मैं तीन ऐसे कीटनाशक बताने वाला हूँ जिसे यदि इन तीनों में से किसी भी एक कीटनाशक को आप स्प्रे कर लेते हैं तो धान के फसल में तना छेदक को एक ही स्प्रे में जड़ से खत्म कर लेगा, साथ ही साथ लंबे समय तक आपके धान के फसल में फिर से तना छेदक को बिल्कुल भी आने नहीं देगा। तो किसान भाइयों, जब आपके धान के फसल में तना छेदक का अटैक बढ़ जाता है, तना छेदक का अटैक हावी हो चुका हो, सभी तरफ सुंडी इल्ली नजर आ रहे हैं, तना कट करके सूख जा रही है, धान की ग्रोथ रुक चुकी है, तो इस समय आपको लेना है FMC कंपनी की कोरप्राइमा इंसेक्टिसाइड, जिसमें क्लोरेंट्रा निरप्रोल 35% WDG फार्मुलेशन में आता है। WDG का मतलब वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल्स होता है, जो कि छोटे दानेदार घुलनशील फार्मों में आता है। किसान भाइयों, इसे घुलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। क्लोरेंट्रा निरप्रोल वही केमिकल है जो कि FMC कंपनी की कोरेजन में पाया जाता है, लेकिन FMC कंपनी की कोरेजन में यह 18.8 पाइन में आता है और यही कोरप्राइमा इंसेक्टिसाइड में यह 35% में आता है, जो कि WDG फार्मुलेशन में आता है। तो किसान भाइयों, जब भी आपके धान के फसल में तनाछेदक का अटैक बढ़ चुका हो, तनाछेदक का अटैक हावी हो चुका हो, तो इस समय आपको FMC कंपनी की कोरप्राइमा इंसेक्टिसाइड को प्रति एकड़ 30 से 35 ग्राम लेना है और 200 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके शाम के समय स्प्रे करते हैं, तो धान के फसल में यह तनाछेदक को एक ही स्प्रे में नियंत्रण कर लेगा, साथ ही साथ आपके धान के फसल में यह लंबे समय तक तनाछेदक को फिर से आने ही नहीं देगा। किसान भाइयों, दूसरे नंबर में आता है टाटा कंपनी की टाकुमी कीटनाशक, जिसमें फ्लुबेंडामाइड 20% WDG फार्मुलेशन में आता है। किसान भाइयों, फ्लुबेंडामाइड यह वही केमिकल है जो कि बायर कंपनी के फेम कीटनाशक में पाया जाता है, लेकिन इसमें इसकी जो मात्रा है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो टाकुमी कीटनाशक है इसमें 20% में पाया जाता है, जो कि WDG फार्मुलेशन में। यदि इसे भी आप धान के फसल में तनाछेदक के लिए स्प्रे करेंगे तो यह भी एक ही स्प्रे में धान के फसल में तनाछेदक को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करेगा, साथ ही साथ आपके फसल में लगभग 20 से 25 दिनों तक फिर से आने ही नहीं देगा। किसान भाइयों, धान के फसल में तनाछेदक को नियंत्रण करने के लिए तीसरे नंबर में आता है UPL कंपनी की पोस्टकिल इंसेक्टिसाइड, जिसमें मोनोक्रोटोफॉस 36% SL फार्मो में आता है। SL यानी कि सोल्युबल लिक्विड होता है, जो कि बहुत ही तरल होता है, इसे आप दूसरे दवाइयों के साथ भी कम्बिनेशन कर सकते हैं। जो पोस्टकिल कीटनाशक है इसमें मोनोक्रोटोफॉस पाया जाता है, मोनोक्रोटोफॉस कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है, इसमें नॉकडाउन एक्शन है, स्टोमिक एक्शन है। यदि इसे भी आप प्रति एकड़ 200 ml 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर लेते हैं तो भी यह धान के फसल में तनाछेदक को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है।
तो किसान भाइयों इन तीनों में से किसी भी एक दवाई को आप स्प्रे करके धान के फसल में तना छेदक को जड़ से खत्म कर लेंगे। साथ ही साथ यह लंबे समय तक आपके धान के फसल में तना छेदक को फिर से आने ही नहीं देंगे। तो आज की यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।